हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें जो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट भारतीय शासन और राजनीतिक, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व आपको नहीं करा सकते गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करा सके। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से तैयार करने होंगे, आप गूगल की हेल्प लेके या अपने जो एसओएल से बुक मिली उसकी हेल्प से आपको अपने आंसर रेडी करना। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पेपर में रिपीट होते, तो कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना कीजिए। ऐसे ही हम आपको जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको हम बता देंगे, एग्जाम से पहले हम आपको कंप्लीट करा देंगे आपका जो पेपर के मेन क्वेश्चन जो होते हैं, तो ये देख सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपके सामने, तो इसमें हम एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बाकी आपको खुद से करनी है और इसके आंसर आपको लिख के अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। भारतीय राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपगामों की व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी हर साल पेपर में रिपीट होते हैं गाइस। ऐसे क्वेश्चन हम आपको एग्जाम से पहले 100 कंप्लीट कराएंगे, जिसमें से आपके 5 या 6 आपके क्वेश्चन आते हैं जो आ जाएंगे इन्हीं में से। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का, अभी हम आंसर भी बताएंगे आपको। भारत की संविधान सभा के बारे में आप क्या जानते हैं? संविधान सभा की रचना किस प्रकार हुई है बताइए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री के प्रभुत्व में वृद्धि हुई है कारण को दर्शाए। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से रेडी करने। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्र अधिकार पर प्रकाश डालिए। भारतीय संसद की संरचना शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं, 8 देख सकते हैं, जो ये आपको 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में फाइनली आएगा, देखने को मिलेगा। अगर आप इस 10 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, आपको आंसर याद रहते हैं, तो ये क्वेश्चन फाइनली जो आपका 20 से 25 नंबर का आएगा, तो आप इजीली उसमें से 20 में से कम 17-18 नंबर ला सकते हैं। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, और आंसर आपको खुद से रेडी करने। और आप अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10, और ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता नहीं पाएंगे गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आपको हम हर क्वेश्चन सॉल्व करा सके। हम एक एक क्वेश्चन कोशिश करेंगे सॉल्व कराने की। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कोई भी स्टूडेंट इग्नोर ना करे, ऐसा है रेगुलर एनसीवी तीनों के लिए वीडियो है। आप वीडियो रोक के भी इस आंसर को लिख सकते हैं, बाकी आप गूगल की हेल्प करके ही बाकी का आंसर तैयार कर लीजिएगा हेल्प लेके। और चैनल पर पहली बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप कमेंट कर दीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे।
तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो आप लिख लीजिए, बाकी का आंसर आप खुद से रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू।